नरवाना का विकास पुरस्कार शमशेर सिंह सुरजेवाला, टेकचंद नैन या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आज इसी को लेकर के विश्लेषण करेंगे कि नरवाना विधानसभा के लिए शमशेर सिंह सुरजेवाला का एक अहम योगदान रहा है, टेकचंद नैन का भी एक अपना एक अहम योगदान रहा है, तो वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी एक अपना योगदान रहा है। ये आज आपको डिसाइड करना है कि नरवाना के लिए किस नेता ने ज्यादा काम किया है। वैसे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला है, फिर तीन नंबरदार है, विधायक के तौर पर जो आए हैं रामनिवास सुरजा खेड़ा है, तमाम यहाँ से विधायक बने हैं, गौरी लाला गौरी शंकर है, लेकिन जो शमशेर सिंह सुरजेवाला, टेकचंद नैन और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है, वो नरवाना को एक नई दिशा देकर के गए हैं। उसी के ऊपर आधारित की चर्चा रहेगी। तब तक आप कमेंट में अपना जो आज का सवाल है वो बॉक्स में इनको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, चैनल को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब भी करते हैं, ताकि नरवाना से और हरियाणा की जुड़ी घटनाएं आपको चैनल के मार्फत मिलती रहे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दामिश्वर प्रेमेंद्र, नरवाना की आवाज। नरवाना विधानसभा की बात करें तो नरवाना के अंदर जो शिक्षा, हेल्थ और गांव-गांव में जो चौपाल, रोजगार, तमाम तरह की चीजें उस समय से ही है जिस समय में लोगों को लगता नहीं था कि विकास होगा। शमशेर सिंह सुरजेवाला की बात करें तो शमशेर सिंह सुरजेवाला को आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नरवाना के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। उनके जब कार्यकाल में, यानी कि सिंचाई विभाग की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब उनके पास सिंचाई विभाग था तो सिंचाई लोग कोठी में आकर के ये बात कहते थे कि आप पानी बंद करवा दीजिए, यानी कि रजवाड़े और नहरों में उस वक्त काई लग जाती थी, लोगों के लिए पानी का इतना गंगा की तरह बहा दिया था उस वक्त। तो इतना काम शमशेर सिंह सुरजेवाला ने किसानों के लिए उस वक्त में किया था। इसके बाद बात करें जो नरवाना के लिए मेडिकल सुविधा, जो हॉस्पिटल के अलावा जो गांव-गांव में डिस्पेंसरी बनवाने का जो काम किया था वो शमशेर सिंह सुरजेवाला द्वारा ही किया गया था। और जो चौपाल, और आप हरियाणवी भाषा में, यानी कि अपने नरवाना वाली भाषा में कहें तो ठाई, अगर ठाई जो जितनी ज्यादातर बनी है वो शमशेर सिंह सुरजेवाला के राज में ही बनी है। तो लोग वहां पर बोलते बतलाते, तो एक बैठने का सिस्टम, एक व्यवस्था जो उपलब्ध करवाई थी वो शमशेर सिंह सुरजेवाला ने ही करवाई थी। इसके अलावा जो केएम कॉलेज की बात करें तो केएम कॉलेज वैसे तो पंजाब के समय से ही कॉलेज रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सुविधाएं की, व्यवस्थाएं की, एजुकेशन की बात करें तो वो टेकन नैन और शमशेर सिंह सुरजेवाला दोनों के प्रयास से ही यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो पाई थी। तो शमशेर सिंह सुरजेवाला का जो योगदान नरवाना विधानसभा के लिए रहा है वो बड़ा अतुल्य रहा है, बड़ा खास रहा है, क्योंकि उस वक्त में शिक्षा, मेडिकल, तमाम इस तरह की जो चीजें की जरूरत थी, किसानों के लिए सिंचाई, गांव-गांव में डिस्पेंसरी की व्यवस्था, गांव-गांव में चौपालों की व्यवस्था, तो ये सब शमशेर सिंह सुरजेवाला के समय में हुआ। उसके बाद बात करें टेकचंद नैन की, तो टेकचंद नैन के कार्यकाल में उन्होंने जो किया, लोगों का अट्रैक्शन जो रोजगार की तरफ बढ़ा वो टेकचंद नैन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उन्होंने जब मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन पद संभाला तो उन्होंने सबसे पहले नरवाना के जो यूथ थे उनको रोजगार की तरफ बढ़ाया। उस वक्त बताते हैं कि लगभग 2000 के आसपास मार्केटिंग बोर्ड में बच्चे लगाए थे, यानी कि ये उस दौर की बात है जब लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं थे और उस वक्त में रोजगार देना एक बड़ी बात थी। तो शमशेर सिंह सुरजेवाला को हम ये कह सकते हैं कि वो नरवाना का विकास पुरुष था। तो दूसरी तरफ बात करें टेकचंद नैन की, तो वो एक रोजगार देने वाला पुरुष था, यानी कि रोजगार की तरफ जो नरवाना को बढ़ाया तो वो टेकचंद नैन की भूमिका रही है। तो उसके बाद बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, ओम प्रकाश चौटाला
यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं और हरियाणा में नरवाना का बिगुल संख्या होता है कि आप राजनीति अगर सीखनी है तो नरवाना से सीखिए, क्योंकि हरियाणा उस वक्त में नरवाना राजनीति का गढ़ हो गया था। तो हरियाणा के गढ़ नरवाना के अंदर ओम प्रकाश चौटाला का जो कार्यक्रम था, गांव सरकार गांव के द्वार कुछ ऐसा था, वो मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि मुख्यमंत्री होते हुए हर गांव में साल छह महीने में लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं पूछना। आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी देखा है, आपने मनोहर लाल खट्टर को भी देखा, वो कितना लोगों के बीच में गए, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की इस बात की तो देखो बड़ी वो कहनी पड़ेगी कि उन्होंने बड़ा बढ़िया पब्लिक के बीच में जा करके लोगों के हाल चाल जान करके लोगों के बीच में जा करके उन्होंने विकास को लेकर के पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए। लोगों ने जो कहा ठीक है वो कर देते हैं, लोगों की जो समस्याएं थी ठीक है वो कर देते हैं। आज तो विधायक भी नहीं आते हैं, आप मैं अकेले नरवाना की बात नहीं, पूरे प्रदेश लेवल की मसले पे बात कर रहा हूँ कि विधायक भी साल छह महीने के अंदर अपने अपने विधानसभाओं का रुख करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसा व्यक्तित्व के धनी थे जो सीएम होते हुए प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों के हाल चाल जान करके पूछते क्या समस्या है, क्या विकास चाहिए, तो लोग उनको बताते कि हमें इस चीज की जरूरत है। चाहे जोड़ो का उस वक्त चार द्वारी का मामला हो, तमाम इस तरह के जो काम रहे हैं वो ओम प्रकाश चौटाला के समय में रहेंगे। और नरवाना के अंदर बड़ी सौगात लघु सचिवालय कोर्ट के साथ साथ में उन्होंने एचएसआईडीसी की भी दी, यानी कि एचएसआईडीसी का एक बड़ा आप कह सकते हैं जो काम है, क्योंकि रोजगार फैक्ट्रियां आज वहां लग रही हैं। सुहाना जैसे शहर जो आज नरवाना से काफी आगे हैं एजुकेशन के मामले में भी, हेल्थ के भी मामले में भी, लेकिन एचएसआईडीसी जो नरवाना के अंदर बनी हुई है वो शायद आसपास कहीं नहीं बनी हुई, उनके औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। तो नरवाना में संशय सिंह सुरजेवाला का जो विकास पुरुष कहा जा सकता है, टेकचंद नैन को रोजगार पुरुष कहा जा सकता है, और औद्योगिक रूप से में आगे बढ़ाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं। तो आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसे मानते हैं नरवाना को लेकर के, विकास पुरुष को लेकर के आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट में आप जरूर दें। अगले जो हमारा अगला एपिसोड रहेगा उसमें जो दूसरे विधायक है, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला, चाहे पृथ्वी निम्बरदार है, चाहे रामनिवास सुरजा केड़ा है, तमाम को लेकर के हम विश्लेषण करेंगे। आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें। अब मिलते हैं एक नए मुद्दे एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज मंथन विश्व प्रेम न्यूज। जिंदाबाद।